पहुंच चुके हैं सूरत स्टेशन। आज है 13 जनवरी, कल है 14 जनवरी। सभी को हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति। पतंग उड़ाइए, मौज कीजिए, तिल गुड़ खाइए, मजे कीजिए। अभी हम जाएंगे घर पे, घर पे से फिर वापस जाएंगे मांझा लेने के लिए। मांझा यानी कि यहाँ पे बोलते हैं दूरी, दूरी होती है चरखी में, चरखी यानी कि फिरकी। तो ये बार हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ का जो है ले, हमेशा मुंबई से ही लाते, सोचा कि इस बार यहाँ से बनवा के लेते, तो थोड़ा देखते हैं अभी कैसा रहता है वो। अच्छा बना रहेगा तो मज़ा आएगा, अगर ख़राब रहेगा मांझा तो वेट करना पड़ेगा। ख़राब नहीं यानी कि गिल्ला मांझा रहता है तो वो ठीक से मज़ा नहीं आता है उड़ाने के लिए, पेच काटने के लिए। देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है। भाई को बोला हूँ मैं आने के लिए फटाफट। मैं हूँ आपका दोस्त चिराग भेड़िया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। मैं जो ट्रेन में आया ना, वो ट्रेन का इंजन मेरे को यहाँ है। पहले घर पे जाएंगे? नहीं नहीं घर पे नहीं जाना, तो अपना मांझा लेने जाएंगे। मांझा लेने सीधा बात खत्म। हमारे पास पतंग भी है, मैं लेके आया हूँ थोड़ी पतंग, और अभी डायरेक्ट स्टॉल पे जाएंगे। चलो फिर डायरेक्ट पतंग के स्टॉल पे चलते। आपको मैं जिंजर बता, जिंजर वो जो जिंजर तो वो देखो सामने एकदम जिंजर। चलते चलते हाँ, यहाँ पे मेट्रो हो गई है, मेट्रो आ गई सूरत में, मेट्रो मेट्रो मेट्रो। ट्रैफिक देखो यहाँ पे, ट्रैफिक ना एक नंबर रहती है यहाँ की ट्रैफिक, मतलब अलग लेवल की ट्रैफिक है भाई। क्या हुआ पता है, मैं आ रहा था तो मेरा टिकट पे मेरा जो कोच था वो था D4L। तो D4L मेरे को पता नहीं D4L होगा क्या, मुझे लगा कोच का नंबर रहेगा D4L। तो मैं D4L ढूंढने के लिए आगे एक मेरा ऑफिस बॉय को आगे भेज दिया, मैं कुछ पीछे चला गया, लेकिन D4L किधर मिलने के लिए तैयार नहीं। तो मैं लोकल कोच में चढ़ गया, सेकंड क्लास में चढ़ गया। मैं चढ़ने के बाद एक को पूछा, अरे भाई D4L किधर रहेगा? तो बोलता है, अरे D4L मतलब D4 कोच और L मतलब लोअर बर्थ, लोअर डेक। तभी मेरे को पता चला भाई ऐसा सीन भी रहता है। अगर पहली बार आया, हाँ मैं आज अकेला आया तो मेरे साथ ये सीन हो गया। अगर आप भी अकेले जाते हो या समझ में नहीं आया तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ तो मैंने शेयर कर दिया है, कुछ इस तरह था मेरा एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा था, पागल उतर के मैंने चेंज कर लिया, दो कोच ही डिफर था, लेकिन कुछ नया सीखने भी मिला। तो ये होता है एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस, तो करते रहिए एक्सप्लोर। अभी हमें यहाँ पे योगी चौक में, यहाँ कोई गर्दी नहीं है इसके लिए हम यहाँ पे रुके, और अच्छा वैरायटी हमने सिलेक्ट किया है सुप्रीम पांडा, इसको हम घिसाएंगे वहाँ पर। देखिए किस तरह से घिसा जा रहा है, मतलब मांझा आप बन। यहाँ पे अभी जस्ट गर्दी कम हुई, पूरा फुल गर्दी था, फुल गर्दी ही गर्दी है यहाँ पे योगी चौक में, ये पूरा फुल गर्दी गर्दी इनका ही है यहाँ पे। कर्फ्यू के हिसाब से बोलिए, आप बोलिए। पुलिस ने भगा दिया, वरना ये खड़ा रहने की जगह नहीं थी। हाँ हाँ रात के 12, तो आप देख सकते हैं पीछे का अभी भी कितना पूरा सब चालू है। इधर मांझा बन रहा है, वहाँ पे पतंग का स्टॉल लगा हुआ है, कैन इधर पतंग का स्टॉल लगा हुआ है, ये मांझा घिस रहा है।
ये अपना शूटर। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में घर हमारा मांझा लेकर, और पीछे देख सकते हैं दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, आप पीछे देख सकते हो। रुके थे हम, बंद करवाने नहीं आए, खाली देखने के लिए है सब अच्छे से चल रहा है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं, वो तो हमें भी नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क भी मैंने निकल लिया है, बहुत ठंड है, अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। मैं देखो घर पे भी नहीं गया हूँ, तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। सूरत में आने का रीज़न ये है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, 2 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर, 2019 में आया था, 2022 में आया हूँ, और डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा ये बार। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ब्लॉग को यहाँ तक देख रहे हो तो कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, लिव लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी, जलसा करो।